हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर हियर विद द सैम्पल पेपर टू का सॉल्यूशन। और अभी हम किस पे आ गए हैं? सेक्शन बी पे आ गए हैं। सेक्शन ए आप सबने देख लिया होगा और आप सबने सॉल्व भी कर लिया होगा। और अगर आप सबको अच्छा लगा और आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए तो स्टूडेंट्स प्लीज़ हमें कमेंट्स करें सो दैट वी कैन एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे, अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपको डाउट है तो। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से, जिसमें हमारे 2 मार्कर्स रहेंगे। और जैसे आपको पता है कि सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, 2 मार्क्स ईच। तो 5 क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स ईच के। इंटरनल चॉइस रहेगी क्वेश्चंस में, राइट? 2 क्वेश्चंस में वी विल हैव इंटरनल चॉइस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राहुल परचेज एन ओल्ड स्कूटर ऑफ ₹16,000 इफ द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ डेप्रिसिएशन इज ₹14,440। फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है हमारा, डेप्रिसिएशन पे फाइनेंशियल मैथ यूनिट का है। इसके साथ इंटरनल चॉइस दी गई है, व्हाट इज नॉमिनल रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली विल बी इक्विवेलेंट टू 12% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, करेक्ट? तो ये आपको वैल्यूज दी गई हैं जो आपको यूज करनी है। तो चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं फिर इंटरनल चॉइस वाले को करेंगे, ठीक है? तो अभी इस फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है और हमेशा हम बोलेंगे कि आप उसको ही करिए क्योंकि वो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर आफ्टर 2 ईयर्स डेप्रिशिएट्स टू 14,450। तो क्या फॉर्मूला होता है? डेप्रिशिएटेड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट कॉस्ट इंटू 1 माइनस R/100 इज टू 2, क्योंकि हमारे पास 2 साल के लिए डेप्रिसिएशन है। तो हमारे पास डेप्रिशिएटेड कॉस्ट कितना है? 14,440, और ये है हमारे पास 16,000, राइट? और हमें निकालना है R। सिंपल सा फॉर्मूला है ये, ठीक? ये बन गया हमारे पास। चलिए अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 1440/16,000 हो जाएगा, 1440/16,000। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 1444 जस्ट चेक करिए किसका स्क्वायर रूट है, क्या परफेक्ट स्क्वायर है। मोस्टली परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर 2 है, तो हमारे पास थोड़ा सा एक हिंट रहता है कि पावर 2 हटानी है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आना चाहिए। या फिर आप एक और स्टेप लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, राइट? इफ यू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। सो 1444 किसका है? इट इज फॉर 38, राइट? सो 38 into 38 कितना होता है? लेट्स चेक। सो 38 into 38 इज 4642। सो 1444। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई? 38/40 इज इक्वल टू 1 माइनस R/100। तो अभी हमें किसी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो अभी आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ वी गेट इट, इट विल बी R/100 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 38/40 विच इज 2/40, दैट इज 1/20 इज R/100। तो R कितना हो गया हमारे पास? 100/20, दैट इज 5%। सो दिस इज अवर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी सीखा है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम इसके और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट नॉमिनल रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली विल बी इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू 12% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। तो पहले तो हमें इक्विवेलेंट रेट निकालना पड़ेगा, एंड विच इज नॉट गिवन टू यू, इट इज नॉट 12% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, 12% के लिए हमें निकालना पड़ेगा। सो अभी हम पहले इक्विवेलेंट रेट निकाल लेते हैं, आर इक्विवेलेंट लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली का क्या होता है? e^r-1। तो वो हमारे पास आर कितना दिया है? 12%। सो e^12%, 12% मीन्स 0.12 - 1, जिसका वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में। सो 1.1274 - 1, सो क्या बन जाएगा हमारे पास? सिंपली 0.1274, दैट इज अवर रेट इक्विवेलेंट, दैट इज 12.74%। कितना हो गया? 12.74%, करेक्ट? सो दिस इज अवर रेट इक्विवेलेंट। अब हमारे पास नॉमिनल रेट और इक्विवेलेंट रेट में क्या रिलेशन होता है? हाउ डू वी गो फॉर इट? सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 + R/400, या 4 भी लिख सकते हैं आप, रेज टू 4, करेक्ट? अगर हम R को यूज़ कर रहे हैं, I के लिए I/100 हम लेते हैं, तो अगर हम R के लिए यूज़ कर रहे हैं, वी कैन डू इट। सो वी हैव टू फाइंड R, तो हम इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, बाद में हम परसेंटेज कर लेंगे। सो
सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद इट. सो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना है 0.1274, करेक्ट, माइनस वन ऑल्सो करेक्ट. नाउ दिस इज वॉट द फॉर्मूला इज. नाउ लेट्स गो विद इट. सो वॉट विल यू गेट, वन प्लस आर अपॉन फोर रेज टू फोर माइनस वन. सो प्लस वन हो जाएगा इधर जाके. इफ आई टेक दिस माइनस वन टू दिस साइड इट बिकम्स प्लस. सो वॉट विल यू गेट, 1.1274. नाउ वॉट विल यू हैव, नाउ हियर रेज टू फोर है तो इधर जाके क्या बन जाएगा, वी टेक फोर्थ रूट ऑन बोथ द साइड्स, वी गेट दिस. इसीलिए आपको वैल्यू दी गई है 1.1274 रेज टू 0.25 की. सो अभी हम इसको सिंपली सब्सिट्यूट करेंगे और अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे. सी टू मार्कर क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, सबको फुल मार्क मिला होगा करेक्ट जब आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा. नाउ लेट्स सॉल्व इट. सो व्हाट विल यू गेट, 1.3034, वन विल कम हियर सो इट विल बिकम माइनस. सो व्हाट विल यू गेट, 0.0304 r अपॉन 4. नाउ यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई. सो व्हाट यू गेट, r इज 12.16. तो आर कितना हो जाएगा, 12.16%. करेक्ट. सो दैट्स योर फाइनल आंसर, आर इज 12.16%. तो नॉमिनल रेट ये है हमारे पास और इक्विवेलेंट रेट क्या था, 12.74. करेक्ट. सो दैट इज हाउ वी सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स. सो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. सो द हाइपोथेसिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू एंड अ सैंपल ऑफ 60, दैट इज एन इज 60 फॉर यू राइट. सो एन इज 60, सैम्पल मीन आपको कितना दिया गया है, 324.1.6 राइट. द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 14 एंड आपको अल्फा दिया गया है 0.05 करेक्ट. तो अभी हम क्या वैल्यू यूज करते हैं, वी हैव टू टेस्ट फॉर यूजिंग इंटरवल एस्टिमेशन. अब इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, इंटरवल एस्टिमेशन मतलब आपको दो इंटरवल्स के बीच में वैल्यू चाहिए. सो हाउ विल यू गो फॉर इट, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास. सो जेड स्कोर आप निकालेंगे एंड देन यू कैलकुलेट इट. सो एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन विद दिस और एंड देन वी स्टार्ट विद दिस. सो नाउ व्हाट इज योर मीन गिवन टू यू, 324.1.6 प्लस माइनस जेड अल्फा बाई टू कितना दिया गया, अल्फा इज 0.05. अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा, 0.025 करेक्ट. इसका वैल्यू दिया गया आपको 1.96. आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया गया है, 14 और एन कितना दिया गया है आपको, 60 करेक्ट. लेट्स डू इट. ओके सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट. सो 324.6 प्लस माइनस नाउ 1.796 इंटू 14 एंड वॉट इज रूट 60. रूट 60 का वैल्यू कितना आएगा, वी हैव टू कैलकुलेट दैट. So root 60 will be how much? It will be around 7.67 or something. So we get to know if you do it with long division, तो आपके पास 7 आता है, 49 आता है, then 11 आता है, then decimal, and then you get 14 and double zeros, right? So what do you get here? With the 6, 7, से भी जा सकता है, लेट्स ट्राई इट आउट. इट गोज विद 7, तो 6 से, सो 7.6666 एंड देन वी गेट 3, देन वी गेट 2. ओके सो व्हाट डू वी गेट हियर, 6 1s are 6, 6 2s are 6, 7 1 47. करेक्ट. सो व्हाट डू यू गेट द आंसर एज, 7 से भी नाउ 6. So 4 remainder, 2 remainder and then we get 2 remainder, right? Now again if we put 2 zeros here, correct? So now what do you get, 146 plus this, so 152. So now you get it for 7. Seriously, will you get for 7? No. 7.65 ke liye milega humko kya? 5 2s are 125, 152, 152. What do we get last? So 7.6, right? So into 14 upon. So what do we get here? 7.6. 7, say yes, we can make it. 9, say we can make it. So 0 say to me. Now we have to find it out. So 2 places tak, aap 6 places tak bhi kar sakte hain. So this is how it goes on. So suppose I take it around 7.7, right? So now what will you get? 1.96 into 14 upon 7.7. So now if I just remove it and make it, so what will you get, 1 point something.
147 को हम 77 से अगर डिवाइड करते हैं, वी गेट इट अराउंड 1 पॉइंट समथिंग. सो 77 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 and 6. सो अगेन इफ आई पुट इट पॉइंट एंड इफ आई अगेन डिवाइड इट, वी गेट 0 हियर. सो वी कैन गेट इट फॉर 8 ऑल्सो. ओके, सो 8 7s आई, वी गेट 6 एंड देन वी गेट 5 हियर. सो 5 हियर आएगा तो इतना हो जाएगा एंड इट गोज ऑन. सो वी गेट अराउंड 1.8, राइट. अगर हमें 4 डेसिमल्स तक निकालना है तो हम एक और निकाल सकते हैं, सो 1.81. ओके, सो नाउ व्हाट्स योर आंसर, 324.6 प्लस माइनस 1.96 इनटू 1.81. सो 1.96 और 1.81 को अभी हमें मल्टीप्लाई करना है एंड लेट्स सी द आंसर. सो 324.6, लेट्स डू इट. सो लेट्स मेक इट 1.96 और 181 को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. नाउ लेट्स मेक इट, सो 196 एंड 8 6 8 एंड देन वी मेक इट 4. सो 8 9 6 देन अगेन 5 देन 196, करेक्ट. सो व्हाट डू यू गेट, 6 एंड देन 4 एंड देन 1 देन 1. सो वी गेट अराउंड 354, राइट. सो 354 के 4 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, सो 3.54 हो जाता है. 7 6 को हमने इग्नोर कर दिया. 2 प्लेसेस डेसिमल इज एनफ स्टूडेंट्स, नो नीड टू मेक इट टू 3 to 4 प्लेसेस. राइट, नाउ वी हैव टू गो विद द इंटरवल एस्टिमेशन. नाउ इंटरवल एस्टिमेशन होता क्या है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इंटरवल एस्टिमेशन. आपको इंटरवल निकालना है और ये 315 अगर उस इंटरवल में आता है तो यस यू एक्सेप्ट, अदरवाइज यू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस. सो लेट्स टेक द इंटरवल. सो 324.6 में से आपको ऐड करना है 3.54 और आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सो इफ आई सब्ट्रैक्ट फर्स्ट तो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा. तो लेट्स सब्ट्रैक्ट 6 - 4 एंड 66. सो वी गेट हियर 6 0 1 2 3 एंड आपका हायर एंड क्या जाएगा, 6 4 11 एंड 8 and 2, करेक्ट. सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन. सो 328.18. तो आपका जो 315 दिया हुआ, इट डजेंट लाई इन दिस इंटरवल, दिस इज इंटरवल एस्टिमेशन. सो इंटरवल एस्टिमेशन के लिए यू हैव अ सिंपल फॉर्मूला, आपको इंटरवल निकालना होता है और आपका गिवन हाइपोथेसिस का वैल्यू अगर उस इंटरवल में है देन इट्स वेल एंड गुड, करेक्ट. यू हैव एक्सेप्टेड, अदरवाइज इफ इट इज नॉट देयर वी विल सिंपली रिजेक्ट इट. सो व्हाट यू विल राइट, द वैल्यू डजंट लाई इन द इंटरवल गिवन हियर. सो 315 डजंट लाई बिटवीन 321.06 एंड 328.14, देयरफॉर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर विल बी reject the null hypothesis, correct. So what is the answer, reject the null hypothesis. So again the marking in this question will be like, you will have half mark for the formula, 1 mark for this entire calculation and 1/2 mark for writing the final statement, that is you reject the hypothesis, correct. So this is how it goes on. Now let's move on to the next. Now this is the question which is based on CAGR, that is compound annual growth rate. Now compound annual growth rate is simply the compound interest में आप जैसे calculate करते हैं rate of interest, ये वैसे ही है. So compound annual growth rate, that is the meaning, correct. Now what's the formula for this, Vikas invested 10,000 in a stock for the company 6 years. So उसका जो initial value था, the value of his investment at the end of each year is given below. So आप देखिए year 1 में तो उसके पास 11,000 था और year 6 में कितना हो गया, 14,000. तो अभी आप खुद बताइए मुझे कितने इयर्स हो गए, 6 इयर्स हो गए सिंपली. सो इनिशियल फाइनल वैल्यू उसका कितना है, 14,000 और इनिशियल वैल्यू उसका कितना है, 11,000. तो हमें अभी कैलकुलेट करना है CAGR. सो CAGR को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज सिंपली, करेक्ट. सो सिंपल फॉर्मूला अभी हमें यूज करना है. तो क्या होता है CAGR का डायरेक्ट फॉर्मूला वी यूज, now CAGR is equal to what, final value upon present value raised to 1 by n minus 1. अगर आप कंपेयर करें, जिन लोगों को नहीं आता है ये फॉर्मूला देखिए आप, सिंपल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन. इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड यू विल गेट द सेम आंसर स्टूडेंट्स. कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो, आपको दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर मिलेगा. इसमें क्या मिसिंग है, आर मिसिंग है.
अमाउंट इज द फाइनल वैल्यू एंड प्रिंसिपल इज द प्रेजेंट वैल्यू, दैट्स द ओनली डिफरेंस. सो नाउ लेट्स गो विद दिस. सो फाइनल वैल्यू इज 14,000, प्रेजेंट वैल्यू इज 11,000, रेज टू 1 by n मीन्स 1/6 माइनस 1, करेक्ट. दिस इज वॉट यू हैव एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू यू वॉट, लेट्स कैलकुलेट 1, 2, 3. सो आपके पास अराउंड 14/11 है, तो आपको जो वैल्यू दी गई है वो राउंड ऑफ करके दी गई है, सो आप उसको डायरेक्ट ले सकते हैं. डोंट थिंक एग्जैक्ट 1.4 नहीं आ रहा है, जब उन्होंने वैल्यू दिया है 1.4 रेस टू 1/6 का, जो कि राउंड ऑफ करके दिया, इट विल बी 1.3 समथिंग. सो आप वो वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं. सो इट विल बी 1.058 माइनस 1, सो विच विल बी वॉट 0.058, करेक्ट. दैट इज सी ए जी आर कितना हो गया हमारा, वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 100. So what will you get? 5.8%. और अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करते तो देखिए, हम तब भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं. 14,000 आपका फाइनल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू आपका 11,000 है, एंड 1 + r/100 रेज टू 6. अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन ऑल्सो यू विल रिक्वायर द सेम वैल्यू, करेक्ट. ये तीनों कट हो गया, अभी 6 को इस साइड लाना है तो क्या बन जाएगा, 1/6, एंड देन वी गेट 1 + r/100, करेक्ट. सो आपके पास ये वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, विच इज 1.058 माइनस 1 r/100. सो व्हाट यू गेट द आंसर फॉर आर, अगेन 0.058 × 100, एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर आल्सो, करेक्ट. सो बोथ वेज यू आर गेटिंग द सेम आंसर. सो दोनों वेज करेक्ट है. ये फॉर्मूला तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का आता ही है पहले से, सो इफ यू डोंट नो दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व विद द अदर वे अराउंड. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. A manufacturer's marginal cost is ₹600/√5x + 36. Find the cost involved to increase the production from 150 units to 450 units. This is the question which is based on the application of derivatives for the economic applications basically. And the second question is again on marginal revenue, that is again related to application of derivatives, economic applications. So marginal cost se hame kis pe jana hai, कॉस्ट पे जाना है. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. सो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट पे जाना है. सो मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स एक्स दिस गिव यू कॉस्ट फंक्शन, करेक्ट. सो दिस इज व्हाट वी हैव. सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का बन जाता है. आई थिंक आई सेड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, सॉरी. सो इट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस है. नाउ लेट्स पुट द वैल्यू 600/√5x + 36, right? Now let's calculate it. हमें निकालना है increase from 150 to 450. अगर आपको value अभी रखना है limits में, आप अभी भी रख सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी रख सकते हैं. Clear? So 600/√5x + 36. So what will be the integration? 600 as it is, and what will you get? Upon 1/5 you get here. And then if you integrate it, you get 5x + 36 raised to half using the power rule, correct. So this is what we get. 2 कहाँ से आया, जो हमारा fraction में half आता उसको लिखा हमने तो ऊपर 2 चला गया, right. Now let's move it. So 120, so what do you get? 240, 5x + 36 raised to half. ये आपका बन गया cost function, correct. अभी आपके पास अगर हम x को 150 और 450 के बीच में निकालते हैं, देन हाउ विल यू कैलकुलेट. तो उसके लिए हमें क्या लेना था, यहाँ पे लिमिट्स लेना था. अगर आप डायरेक्ट लिमिट्स ले रहे हैं तो आप लिमिट्स भी ले सकते हैं, एंड देन यू कैन कैलकुलेट इट. सो दिस इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 150 टू 450. सो कैलकुलेशंस थोड़ा सा ज़्यादा हैं बट क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, करेक्ट. हाफ मार्क फॉर द फॉर्मूला दैट यू हैव हियर, हाफ मार्क यू विल गेट फॉर दिस आंसर एज वेल, करेक्ट. So now you have to simply put the value 450 and 150 and get the final answer, dono ko subtract karke. So 240 is common, students, let's work it out. So 240 is common, let's keep it out. Now 5x plus 36, so 450 hum pehle value dalenge, 450 into 5, is how much? 2250 plus 36 raised to half minus. अभी हमें 150 वैल्यू डालना है, सो 150 के लिए हम क्या करेंगे, 150 इंटू 5 इज हाउ मच, 750 प्लस 36 रेज टू हाफ, करेक्ट. ये बन गया हमारे पास. तो अभी हम फिर से 240 कॉमन रखेंगे. नाउ 2250 प्लस 36 इज
2286 माइनस 750 और 36 बन जाएगा 786, करेक्ट? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रूट्स, लॉन्ग डिवीजन आना चाहिए अच्छे से. सो 2286, सो लेट्स मूव ऑन. सो 240, सो 2286 मोस्टली क्या होता है, दैट्स फाइंड इट आउट. सो 2286 इट इज बिटवीन 1600 एंड 2500, राइट? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी कमिंग 45.81. एंड 786 दिस इज बिटवीन विच परफेक्ट स्क्वायर्स, यू कैन से इट इज़ बिटवीन 26 एंड 29 के बीच में है या 20 या 30 के बीच में है. सो वॉट विल इट बी? सो इट विल बी 28.03, करेक्ट? सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन. नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट इट एंड गेट द आंसर 240, 19.78, एंड देन इफ यू मल्टीप्लाई इट वी गेट 4747.2, करेक्ट? सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन. सो योर कॉस्ट इंक्रीज from 150 units to 450 units is 4747 rupees, right? So that will be your cost increase, correct? Now marginal revenue se hame revenue nikalna hai, so uske liye bhi hame kya karna padega, integration. So revenue kya hota hai, marginal revenue is given in the function of x. Now let's move it. So what will you get? 12 minus 3x square plus 4x dx. Now integrate it. What is the integration of 12? 12x. What is the integration of 3x square? 3x cube upon 3. What is the integration of 4x? 4x square upon 2. Right? This is what we have. Now, we have to find the total revenue from the sale of 4 units. So, baad mein abhi aap kya value put karenge x ka? 4 units. That's it. That is what you have. Plus c also will come here because it's not definite integral. Now, let's move it. So, 3, 3 cancels out. 2, 2 cancels out. So, we get 12x minus x cube plus 2x square. बहुत सिंपल कैलकुलेशन है क्योंकि सिंपली 2 मार्क का क्वेश्चन है. तो अगर हमारे पास x 0 होता है, अब हमें c का वैल्यू निकालना पड़ेगा. दैट्स एन इंपॉर्टेंट स्टेप स्टूडेंट्स. एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स वो वैल्यू नहीं निकालते, जस्ट इग्नोर c. नो, इफ x इज 0 रेवेन्यू विल ऑल्सो बी 0. अगर आपको सेल ही नहीं करेंगे तो आपका रेवेन्यू 0 होगा. सो लेट्स टेक एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c. तो 0 इज इक्वल टू, वी पुट x 0 इन ऑल द टर्म्स, वी गेट 0. तो c इज 0, करेक्ट? So our revenue is this 12x minus x cube plus 2x square. अब हमें जो value निकालनी है at r is equal to 4 पे निकालनी है. So let's put it 48 minus 4 cube is 64 plus 4 twos are 8 and 4 square is 16, 16 twos are 32. So what do you get the final answer as? 48 minus 32, that is 16. This is your revenue from the sale of 4 units. So that is 16 rupees basically, right? Of course, first wale mein calculations thode jyada the, so we would advise you for the internal choice. To aapko wo samajh mein aana chahiye ki root hai to calculations zyada honge, decimals mein honge. So the wise choice for this internal choice is the option 2, correct? Now let's move on to the last section of sample paper, section 2 ke liye. Now in a 200 meter race, Anuj can beat Param by 5 meters or 3 seconds. Now this is important. How much time did Anush take to complete the race? So 200 meter का हमारा पूरा race है, correct? अब point आता है, Anush can beat Param. Anush ने beat किया. So Anush ने कितने से beat किया Param को? Either by 5 meters or 3 seconds, correct? So this is what we have. So now how much time did Anush take to complete the race? So 3 seconds या 5 meters is the same thing here. So now इसका मतलब क्या है कि परम रन्स, परम नॉट अनुज, परम रन्स 5 मीटर्स इन 3 सेकंड्स. दिस इज व्हाट वी हैव. परम रन्स 5 मीटर्स इन 3 सेकंड्स, दिस इज अ की पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो परम रन्स 1 मीटर इन हाउ मेनी सेकंड्स? Param runs 1 meters in how many seconds? 3 by 5 seconds. So Param will run 200 meters by how many seconds? Correct. Let's find it out. 3 by 5 into 200. So 120 seconds. Correct. Agar wo pura race karta, to wo kitne der mein karta? 120 seconds mein karta. Kaun? Param. How much time did Anush take to complete the race? अब अनुज ने कितना time लिया? So Anush takes, हमने तो अनुज के लिए कुछ निकाला ही नहीं.
लेकिन हमें आंसर फिर भी मिल गया। कैसे? अगर पर हमने 120 सेकेंड्स लिए तो अनुज टेक्स हाउ मेनी टाइम, अनु टेक्स 3 सेकेंड्स लेस देन परम टू कंप्लीट द रेस। सो अनुज का टाइम कितना हो गया? सो टाइम ऑफ अनुज इज 117 सेकेंड्स। सो अनुज ने जो रेस कंप्लीट किया 120 माइनस 3 सेकेंड्स में, क्योंकि अनुज ने बीट किया परम को 3 सेकेंड से। तो अनुज का टाइम कितना हो गया? 117 सेकेंड। दिस इज द इजिएस्ट वे टू सॉल्व इट। स्टूडेंट्स अनुज के लिए सॉल्व ही नहीं करना है, आपको किसके लिए सॉल्व करना है? परम के लिए। परम का टाइम निकालिए और अनुज का टाइम अपने आप आ जाएगा बाई सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम इट। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस ऑल 5 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड हैव गॉट द फुल मार्क्स ऑल्सो। So if you have understood it well, you have liked it, please share and subscribe also and put your doubts in the comment section so that we can solve all your doubts and clear your queries. Okay, thank you everyone.